हेलो एवरीवन, आज डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी में डेंसिटी के साथ साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में अध्ययन करेंगे। डेंसिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब मास के डायरेक्टली और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके साथ साथ मैंने दो और ऐड किए हैं, क्लोज पैकिंग जितनी ज़्यादा होगी सॉलिड नेचर उतनी ज़्यादा होगी और उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जैसा कि अपन ने पढ़ा है एटॉमिक रेडियाई जितनी ज़्यादा होगी वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा और डेंसिटी उतनी ही कम होगी। जैसे मैंने नीचे डाटा दिए हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आप लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक डेंसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती जा रही है? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं और एटॉमिक नंबर जो जो इंक्रीज होते जा रहे हैं उनका एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता जा रहा है और एटॉमिक मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि डेंसिटी है किसमें, ग्राम पर मिली या ग्राम पर घन सेमी। ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे लोवेस्ट डेंसिटी स्कैंडियम की होती है, ये याद रख लेना। और पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे लोवेस्ट डेंसिटी हाइड्रोजन की होती है, ये लिख लेनी चाहिए, बहुत कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी हैं ये चीज़ें। अब है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज। मैंगनीज की जो डेंसिटी है वो कंपेरेटिवली क्या है, कम है। क्यों? आपको सबको पता है कि मैंगनीज है वो क्रिस्टल पैकिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं रखता, या उनकी जो मेटल लेटिस है उसके अंदर मेटल का अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं होता, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती। इसलिए मैंगनीज और जिंक है उनकी कंपेरेटिवली डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। कॉपर और जिंक की बात करें, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जिंक की पहला रीजन तो अपन दे सकते हैं पैकिंग, कॉपर की पैकिंग ज्यादा बेटर होती है किससे, जिंक से। मेटलिक रेडियाई की बात करें, जिंक की मेटलिक रेडियाई ज्यादा है कॉपर से, ऊपर दे रखा है। मेटलिक रेडियाई और डेंसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम की बात करें, जिंक का ज़्यादा है और वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है डेंसिटी उतनी ही कम है। अब है कि अपन ग्रुप के अंदर बात करें, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है, जिसके कारण इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है वो है इरिडियम की, याद रखना इरिडियम ऑप्शन नहीं हो तो किसकी होती है, ऑस्मियम की। यदि ये दोनों ऑप्शन हो तो इरिडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। इसके बाद में अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ें। तो अब एक एक कंसेप्ट को समझना, और जो भी आपने कंपटीशन दिए हैं या आप कंपटीशन दोगे, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो इन कंसेप्ट को ध्यान रखना, आपका तुरंत सॉल्व होगा। पहला कंसेप्ट है सॉलिड नेचर के लिए लागू होता है, किस नेचर के लिए, सॉलिड नेचर के लिए।
जिसकी आयनेशन एंथैल्पी जितनी कम होती है, इसका मतलब आयनेशन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा जिसकी कम होगी उस मेटल के कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या कहूं उस कंपाउंड में उस मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वह स्टेबल होगी। कब? जब उसकी आयनेशन एनर्जी कम होगी। क्यों आयनेशन एनर्जी कम होगी? वह अपना इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देगा, डोनेट करेगा, और इजीली कोई डोनेट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये नियम किसके ऊपर लागू है? सॉलिड कंपाउंड। जैसे मैंने डाटा दिए हैं निकल और प्लेटिनम के, निकल और प्लेटिनम की फर्स्ट टू आयनेशन एनर्जी की बात करूं तो आप खुद बताओ किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा है? प्लेटिनम की। तो उसकी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी या नहीं? नहीं होगी। तो किसकी होगी? निकल की। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाए निकल और प्लेटिनम में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी ज्यादा स्टेबल होगी? निकल की। ये बात ध्यान रखना आप। दूसरा, थर्ड और फोर्थ आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो बताओ किसकी ज्यादा है? निकल की। और कम किसकी है? प्लेटिनम की। तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी स्टेबल होगी? प्लेटिनम की। अपन टोटल एंथैल्पी के ऊपर और ध्यान देते हैं। निकल की है 11.29 इंटू 10 की पावर 3, प्लेटिनम कितनी है 9.36 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब निकल के कंपेरेटिवली बहुत ही कम है, और आयनेशन एंथैल्पी जिसकी कम होती है उसकी वह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? स्टेबल होती है। तो प्लेटिनम और निकल में प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी स्टेबल होगी? प्लेटिनम की। अब अपन बात करते हैं उस कंपाउंड के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में कंपाउंड की स्टेबिलिटी है उसके लिए अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी या जिसकी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तीन के ऊपर, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो क्या है? जब किसी सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दें? गैस में, तो वह क्या कहलाती है? सब्लिमेशन एनर्जी, या कहूं एटमाइजेशन एंथैल्पी। मेटल लेटिस से मेटल को अलग करने के लिए या सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े वह एनर्जी कौन सी कहलाती है? एटमाइजेशन एंथैल्पी। और यह एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होती है। इसका मतलब यह एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक है तो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब है आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी में आपको बता चुका हूं कि गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल या बायटम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आयनेशन एनर्जी है। ये एनर्जी भी एंडोथर्मिक है, इसके लिए यहां भी एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। तीसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसे अपन सॉल्वेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। यहां जब कोई मेटल आयन अपने चारों ओर जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जोड़ता है, जोड़ने का मतलब अट्रैक्शन होता है, और याद रखना जब भी जहां भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत शानदार कंसेप्ट है। तो इसका मतलब जब भी वाटर मॉलिक्यूल मेटल आयन के चारों ओर जुड़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। प्रोसेस कौन सा होगा?
एक्जोथर्मिक होगा, एक्जोथर्मिक होगा तो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव में होगा। अब बात है कि मैं इनको आगे ये समझा रखा है, डेल सब्लिमेशन एनर्जी मैंने आपको बता दिया, सॉलिड से किस में, गैस में, या एटोमेशन एंथैल्पी की बात करी, मेटल लैटिस से किसको सेपरेट करना है, मेटल में, तो ये एंथैल्पी सब्लिमेशन एंथैल्पी में चेंज, यहाँ एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्व होती है, तो वो एनर्जी होगी वो किस में होगी, पॉजिटिव। आयनेशन एंथैल्पी में चेंज, एनर्जी अब्जॉर्व होगी, वो वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव। हाइड्रेशन एंथैल्पी में चेंज, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी किस में होगी, नेगेटिव। डेल टी एच टोटल एंथैल्पी चेंज, इन तीनों के योग के बराबर होती है, या इन तीनों के टोटल के बराबर होती है, जैसा मैंने नीचे लिख रखा है। डेल टी एच इज इक्वल टू डेल सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस डेल आई एच प्लस डेल हाइड्रेशन एंथैल्पी। इनको मैं साइक्लिक रूप में इस रूप में शो कर सकता हूं, मेटल सॉलिड से, ध्यान से सुनना, मेटल सॉलिड से मेटल एक्वस आयन में जा रहा हूं तो उस एरो पे लिखा मैंने डेल टी एच, इसको जनरली लेटस एनर्जी भी कह सकते हैं, जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी। अब ये जो डेल टी एच है वो किसके इक्वल होती है, अपन ने पढ़ा है सब्लिमेशन, मेटल सॉलिड को पहले किस में चेंज करेंगे, गैस में, तो मेटल गैस में होगा तो डेल सब्लिमेशन एच, गैस यस मेटल को आयन में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी एनर्जी चाहिएगी, डेल आई एच, और फिर गैस यस मेटल आयन को जब किसी सॉल्वेंट में या वाटर में डिजोल्व करेंगे तो मेटल आयन है वो एक्वस, तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, डेल हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, इसको कहते हैं बोर्न हेबर साइकिल। अब ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, सब्लिमेशन और आयनेशन एंथैल्पी है वो उसकी जो एनर्जी है वो किस में होती है, पॉजिटिव, हाइड्रेशन एंथैल्पी की नेगेटिव। यदि सब्लिमेशन और आयनेशन एंथैल्पी का टोटल यदि हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है तो ई नोट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यदि हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू सब्लिमेशन और आयनेशन एंथैल्पी के टोटल से ज़्यादा है तो ई नोट की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव। ये समझ में आने के बाद में हाइड्रेशन एनर्जी है, मैंने फिर बता दिया साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज जितनी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, या कहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी साइज उतनी क्या होगी, छोटी होगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी साइज उतनी छोटी होगी, तो साइज छोटी होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी, और वह एनर्जी किस में होगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ एनर्जी रिलीज से है, ये याद रखना, और पॉजिटिव का मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब से है, एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक के लिए वैल्यू है एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। फिर आगे मैंने लिख रखा आयनेशन एनर्जी, D5 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी, इसी तरह कहूँ क्योंकि हाफ फील्ड सिमेट्री या सिमेट्रिक कंडीशन और एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा, D10 कोलंबिक अट्रैक्शन फोर्स सिमेट्रिक कंडीशन होती है, और T2G3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा आयनेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी, और आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपको सबको पता है ई नोट की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी है वो उसके कंपेरेटिवली कितनी है, लोअर वैल्यू किसकी, ई नोट की, या कहूं जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा
या ई नोट की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी और वह एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन में उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। कंसेप्ट सुन लेना सॉल्यूशन के लिए, जिसके लिए ई नोट की वैल्यू, ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या कहूँ स्टैंडर्ड बोलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वह एक्वस सॉल्यूशन उतना ही क्या होगा, स्थाई होगा। इसके लिए अपन देखते हैं कि ई नोट की वैल्यू जितनी कम होगी, तो ई नोट की वैल्यू नेगेटिव की बात कर रहे हैं अपन, तो नेगेटिव है तो कौन सी एंथैल्पी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वैल्यू नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में नेगेटिव। अब है एलिमेंट, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसके मैंने ई नेट की वैल्यू दे रखी है। यहाँ एक बात ध्यान से सुनना, एम प्लस टू ओब्लिक एम दिखाया है रिडक्शन फॉर्म में, ये हमेशा रिडक्शन फॉर्म में होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, उसमें ये चीज ध्यान रखनी है। टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर। देखना आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो इस ई नोट की वैल्यू, ई नोट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। और ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही कम स्टेबल होगी। ये अपन पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ई नोट में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ये बात आपको समझनी है, रेगुलर कोई ट्रेंड नहीं है। जैसे 1.63 फिर -1.8 फिर 0.91 फिर देखो बढ़ गई, सॉरी फिर और कम हो गई। क्रोमियम की कितनी है -0.91 और मैंगनीज की -1.18, पहले तो बढ़ी फिर क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब रेगुलर ट्रेंड नहीं, ये कहाँ बढ़ रही है कहाँ घट रही है इसका कंसेप्ट मत एक ही मानता हूं। आयनेशन एंथैल्पी, आपको सबको पता है आयनेशन एंथैल्पी अपन पढ़ चुके हैं। देखो आगे लिख रखा है, ई नोट में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, क्यों नहीं है, आयनेशन एंथैल्पी या सब्लिमेशन एनर्जी या एंथैल्पी, एटोमेशन एंथैल्पी में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने। अब है अगला दूसरा, ई नोट की वैल्यू अपन देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, बोलो जनरली इंक्रीज होती जा रही है। तीसरा एक एक्सेप्शनल केस देखा अपन ने कॉपर का, कॉपर की ई नोट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होगी, जब सब्लिमेशन और आयनेशन का एनर्जी का टोटल है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये आपको याद रखनी चाहिए, कॉपर कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अपवाद दो हैं HNO3 और H2SO4, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक के अलावा किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, अर्थात हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। और आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कॉपर प्लस H2SO4 CuSO4 और H2, क्योंकि H2SO4 कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब है मैंगनीज, निकल, जिंक, इनके ई नोट कंपेरेटिवली ज्यादा नेगेटिव होते हैं, क्यों क्यों, क्योंकि अपन ने इसमें ध्यान से देखा होगा कि मैंगनीज -1.18, निकल 0.25 और जिंक -0.76। क्यों, क्योंकि अपन जो भी बात कर रहे हैं टू आयनेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। और बताओ मैंगनीज अपने दो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्यों, D5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए।
और जिंक भी अपने दो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि D10 फुल फीड कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने, इसका मतलब ये अपने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मुश्किल से इजीली। ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब ये बात तो आ गई कि मैंगनीज और जिंक के लिए तो आपने बता दिया, निकल के लिए बता दो फिर। निकल के लिए कंसेप्ट है निकल प्लस टू की हाइड्रेशन एंथैल्पी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है, और जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी वो सही सही बताओ, उसके लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये याद रखना। निकल का रीजन पूछे तो हाइड्रेशन, मैंगनीज और जिंक का पूछे तो D5 और D10 स्टेबल कॉन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में मैंने देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मैंने ये चीज इसलिए लिखी है कि निकल की हाइड्रेशन एंथैल्पी देखो कॉपर के लगभग बराबर है, जबकि कोबाल्ट से ज्यादा है, आयरन से ज्यादा है, तो इसका मतलब निकल की ज्यादा ई नोट की वैल्यू नेगेटिव होने का रीजन क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है नेगेटिव? नेगेटिव। अब है अपन ने मैंगनीज और जिंक का है अपन पढ़ते हैं, और एक एक चीज ध्यान से सुनना। मैंगनीज, मैंगनीज प्लस टू, बताओ टू आयनेशन एनर्जी है, कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। तो इन कम होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव में? नेगेटिव। इसलिए मैंगनीज और जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देते हैं, क्योंकि मैंगनीज तो D5 और जिंक कौन सा? D10, और ये दोनों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं। मैंगनीज तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जिंक कौन सा रखता है? फुल फील्ड। फिर मैंने एक चीज ध्यान से सुनना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एम मेटल प्लस 3 ऑब्लिक मेटल प्लस 2, बताओ कौन सी फॉर्म में शो किया है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीकरण या अपचेन? अपचेन, याद रखना ये चीज। अब इसमें आप देख रहे हैं कि स्कैंडियम मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि मुझे डाटा मिले नहीं उसके। स्कैंडियम प्लस 3 से स्कैंडियम प्लस 2, स्कैंडियम प्लस 3, इसका मतलब स्कैंडियम है, ध्यान से सुनना, इसकी ई नोट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती है। जिसकी ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। उस स्टेबल के रीजन दो ही हैं, क्या? पहला तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड, दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। ये कंसेप्ट ध्यान रखो। स्कैंडियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही मैंने नीचे दिखा रखा है कि स्कैंडियम तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है ऑर्गन, आर स्टेबल है अनस्टेबल? स्टेबल। तो इसके ई नोट की वैल्यू खुद बता दो आप, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव होती है। और नेगेटिव के लिए कंसेप्ट क्या? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। किससे? आयनेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन। अगला रीजन वही बात, जिंक प्लस 3, जिंक प्लस 2 के लिए ई नोट की वैल्यू हाईएस्ट होती है, मतलब ज्यादा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है? D10 फुल फील्ड, वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नहीं करेगा। आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। और आयनेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी ई नोट की वैल्यू खुद बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। दी नहीं है यहां, और यदि देगा तो वो वैल्यू किस में होगी? पॉजिटिव। मैंने ये बातें बता दी। इसी प्रकार अपन आगे की बात करें कि Mn प्लस 3 से Mn प्लस 2 के लिए, बताओ ये बात बताने की जरूरत नहीं है, कंपेरेटिवली क्या है? हाई। क्यों? D5 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपनों कौन सी एनर्जी की ज्यादा होगी? आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? पॉजिटिव में। चेक कर लो, मैंगनीज के लिए ई नोट की वैल्यू प्लस है कि माइनस? प्लस। अरे प्लस है, इसका मतलब प्रूव हो गया कि
आयन से एनर्जी इसकी ज्यादा है, किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। आगे बात, इसी प्रकार Fe+3 और Fe+2 के लिए E0 की वैल्यू कंपेरेटिवली लो होती है। देखो मैंगनीज, ऊपर देखो डाटा, +1.57, आयरन 0.77, कोबाल्ट +1.97। इन दोनों के कंपेरेटिवली आयरन की वैल्यू क्या हुई? कम हुई। क्यों? देखो रीजन तो है, हाफ फील्ड फुल फील्ड T2G3 या T2G½ फील्ड या हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो Fe+3 में कौन सा कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो रहा है खुद बताओ? हाफ फील्ड इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इजिली डोनेट करेगा, आयनेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। आयनेशन एनर्जी कम होगी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी, साइज क्या हुई? घटी। साइज घटी तो अट्रैक्शन क्या हुआ? बढ़ा। हाइड्रेशन एंथैल्पी है उतनी ही ज्यादा होगी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी में जो नेगेटिव साइन आता है वो किसको शो करता है? नेगेटिव मतलब कम नहीं है, रिलीज एनर्जी को, एक्सोथर्मिक को। इसलिए यहां मैंने शो कर रखा है कि यहां हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी किससे? आयनेशन एंथैल्पी से। क्यों? क्योंकि Fe+2 है, Fe+3 में चेंज होगा तो कौन सा कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर रहा है? D5 इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। एक और है, V+3 से V+2 के लिए E0 की वैल्यू कंपेरेटिवली हाई होती है। हाई V+2 देखो कॉन्फिगरेशन ऑर्गन 3D3 4S0 से किस में आए हैं? V+3 ऑर्गन 3D2 4S0। बताओ 3D3 मैंने ऊपर दिखाया है, आप देखना, ये दिखा रखा कि जो डी ऑर्बिटल है जब भी लिगेंड उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो टू पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, T2G और EG। तो D3 बताओ किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? T2G में। T2G3 कौन सा हो गया? हाफ फील्ड। बताओ अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा नहीं करेगा? आयनेशन एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा। आयनेशन एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बताओ इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने कंसेप्ट पढ़े डेंसिटी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके कंसेप्ट हैं। डेंसिटी तो किसके डायरेक्टली है? मास और वॉल्यूम के इनवर्सली, या कहूं मास और वॉल्यूम जब दोनों ही वेरी करते हो मास डोमिनेट होगा, ये बात ध्यान रखना। मास और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ रहे हैं तो किसको डोमिनेट मानेंगे? मास को। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, डेंसिटी का कंसेप्ट हो गया और इसके साथ मास के साथ साथ क्लोज पैकिंग मैंगनीज और जिंक। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? इरिडियम। सबसे कम किसकी? स्कैंडियम। कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूं? डी ब्लॉक आ गया। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे सॉलिड के अंदर किसके ऊपर डिपेंड करता है? आयनेशन एनर्जी जितनी कम होगी उस कंपाउंड के मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। यदि सॉल्यूशन की बात करूं तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 पर। E0 की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। E0 किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्लिमेशन, आयनेशन और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किस में होगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कम है कि ज्यादा? ना, रिलीज एनर्जी। यहां नेगेटिव का मतलब कम नहीं है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव इसका मतलब कम नहीं है, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये मैंने सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए और इसमें ओवरऑल कंसेप्ट यही निकलता है, जिसके आयनेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी E0 क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसकी आयनेशन एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, उसकी E0 की वैल्यू कम होगी। आप इस वीडियो में कोई भी समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक।